Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो दोस्तों, आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि किसी भी इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। वेल, इसी कहावत को हमारे कुछ इंडियन सोर्स ने भी पूरी तरह से सही साबित करने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे इंडियन सोर्स की जिनमें हीरो और हीरोइन के अलावा खाने की भी मुख्य भूमिका रही है, यानी कि इन सोर्स की कहानी का थीम बेस्ड है फूड एंड कुकिंग पर, जहाँ खाने की वजह से इन सोर्स में प्रेम कहानियों का आगाज हुआ। इन शोज में मेन लीडिंग एक्ट्रेसेस को कुकिंग में एक्सपर्ट दिखाया गया, मगर इन सारी शोज में इनकी कुकिंग स्किल से ही बनी इनकी लव स्टोरी के शुरू होने की वजह। तो आइए बताते हैं आपको ऐसे सीरियल्स के बारे में। तो शुरुआत करेंगे GTV के शो कबूल है सीजन 2 से, जहां सुरभि ज्योति दिखी थी सनम के लीडिंग कैरेक्टर में, जहां सनम एक ढाबा चलाती है जिसका नाम है ढाबा सनम का, जहाँ वो अपने कस्टमर्स को टेस्टी टेस्टी खाना परोसती है और उसी ढाबे से वो अपना घर भी चलाती है। और उसी ढाबे में शो का हीरो करणवीर बोहरा उर्फ आहिल भी आता है, जहाँ ढाबे में ही सनम और आहिल के बीच नोकझोंक शुरू होती है। और आगे की कहानी में हम देखते हैं सनम आहिल के घर में कुक का काम करती है और वहीं से दोनों के बीच की लव स्टोरी भी शुरू होती है। इसके अलावा स्टार वन में भी एक शो आता था जिसका नाम था अनु की हो गई वाह भाई वाह, जहाँ शो की लीड हीरोइन सृजिता डे उर्फ अनु एक बहुत अच्छी कुक होती है और उसकी कुकिंग स्किल्स से हर कोई इम्प्रेस हो जाता है, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में एज अ शेफ काम करती है और इसी रेस्टोरेंट से शुरू होती है उसकी और शो के हीरो आशु की प्रेम कहानी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे GTV के शो जिंदगी की महक की, जहाँ समीक्षा जायसवाल ने महक के किरदार को निभाया था, जहाँ हम देखते हैं महक के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुकिंग स्किल्स है और वो बहुत ही बढ़िया खाना भी बनाती है और अपनी इसी कुकिंग स्किल्स को लेकर वो बहुत बड़ा नाम भी कमाना चाहती है, जिस वजह से वो कुकिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है और इस कुकिंग कॉम्पिटिशन का जज होता है एक अमीर रेस्टोरेटर सौर्य। और इसी कुकिंग कॉम्पिटिशन से शुरू होती है महक और सौर्य की लव हेट स्टोरी, जहाँ कुकिंग बैकग्राउंड में बेस्ड इस शो की कहानी और लीडिंग जोड़ी को ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। इसके अलावा GTV का एक अन्य शो मिठाई भी ऑडियंस के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, जहाँ शो की हीरोइन देवात्मा शाह उर्फ मिठाई बहुत अच्छी मिठाई बनाती है और उसकी बनाई आलू की जलेबी की तो सभी दीवाने हैं, जहाँ वो घर घर में अपनी बनाई आलू की जलेबियाँ बेचती है, जहाँ चौबे परिवार उसकी जलेबी का रेगुलर कस्टमर है, मगर उस घर के बेटे सिद्धार्थ को मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस मिठाई की वजह से ही शो के हीरो हीरोइन के बीच टसन शुरू होता है, जहाँ शो में आगे दोनों के बीच एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, अब आते हैं स्टार प्लस के एक बेहद ही लोकप्रिय शो दिया और बाती हम पर, जहाँ हीरोइन को नहीं बल्कि हीरो को कुकिंग में एक्सपर्ट दिखाया गया था, जहाँ लीडिंग कैरेक्टर सूरज के किरदार में थे आनस राशिद, तो उनके अपोजिट में नजर आई थी दीपिका सिंह संध्या के कैरेक्टर में, जहाँ हम देखते हैं संध्या का सपना है IPS ऑफिसर बनने का, पर उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी हो जाती है सूरज से, जो कि एक हलवाई होता है और उसकी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान भी होती है, जहाँ शुरुआत में संध्या सूरज के कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे दिल से नहीं अपना पाती, पर धीरे धीरे सूरज की अच्छाई संध्या का दिल जीत लेती है और वो उसे और उसकी मिठाई की दुकान को भी सपोर्ट करने लगती है और सूरज भी संध्या को कुकिंग सिखाता है और उसे हर काम में सपोर्ट करता है। और यहाँ से शुरू होता है सूरज और संध्या का दिया और बाती हम जैसा सफर। तो दोस्तों, आप बात करेंगे स्टार प्लस के लेटेस्ट शो बनी चाओ होम डिलीवरी की, जिसकी लीड एक्ट्रेस है उल्का गुप्ता, जो बनी की लीडिंग कैरेक्टर में दिख रही है, जहाँ बनी एक जिंदा दिल और मेहनती लड़की है जो कि एक केटरिंग बिजनेस चलाती है और अपने बनाए हुए खाने की घर घर में डिलीवरी भी करती है, जिसके खाने की चर्चा पूरे शहर में फैली हुई है, जिस वजह से युवान की दादा उसे युवान के लिए खाना बनाकर लाने को कहते हैं, क्योंकि युवान को खाने में कुछ भी पसंद नहीं आता है। और इसी खाने के वजह से युवान और बन्नी की मुलाकात होती है, जहाँ बन्नी युवान को अपने हाथों से बनी खीर खिलाती है और खीर खाने के बाद युवान बन्नी के हाथों के खाने को बेहद पसंद करने लगता है। और इसी खाने के वजह से हमें देखने को मिलती है बन्नी और युवान की अनोखी बॉन्डिंग, जो कि आगे जाकर दोस्ती से प्यार में बदलेगी। तो दोस्तों, फाइनली बात करेंगे स्टार भारत की अपकमिंग शो चन्ना मेरेया की,
जिसे लीड करने वाली है एक्ट्रेस नियति फतनानी, जो कि दिखेगी गिदनी के किरदार में, और उनके अपोजिट में होंगे करण भाई आदित्य राज के किरदार में। जहां अभी तक जितने भी प्रोमोज आए हैं उससे पता चलता है कि इस सीरियल में गिन्नी के ढाबे से शुरू होगी नई प्रेम कहानी। जहां हमें प्रोमो में दिखाया गया था आदित्य गिन्नी का ढाबा खरीदने के लिए उसे चेक देता है और गिन्नी उसे बोलती है इस चेक पे लिखी हुई कीमत उसके ढाबे से बहुत कम है, क्योंकि उसके लिए व्यापार से ज़्यादा बड़ा प्यार है और वो अपने ढाबे से बहुत प्यार करती है। और गिन्नी की ये बात आदित्य के दिल को छू जाती है। इससे ये पता चलता है कि इसी ढाबे और खाने से होगी गिन्नी और आदित्य की प्रेम कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों, ये थे वो हिंदी सीरियल्स जहाँ खाने ने निभाई अहम भूमिका एक नई प्रेम कहानी को शुरू करने में। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा शो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।